टच करने तो मुझे कभी में मैंने इतना तड़पा नहीं हो जितना इसको। यही यही कैमरा। तो 1 अप्रैल 2021 को जब मैंने मैकबुक खरीदा था तो यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा अलग थे। कोई भी मैकबुक नहीं खरीद रहा था और जो खरीद भी रहा था वो ऐसा खरीदता था कि पापा को बस कहना है कि मुझे मैक चाहिए एंड देयर वी गो 92,990 रुपए से फेंक दिए जाते थे और मैकबुक आ जाता था। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था, हार्डली कोई सेल करता था और कोई सेल करता था तो कोई फाइनेंस नहीं करता था। और इसमें मैंने बहुत ज्यादा व्लॉग्स बनाया है कैसे मैंने स्ट्रगल किया है। आज मुझे इस टॉपिक की बात करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मैंने सोचा कि 1 साल अपना मैक का हो चुका है, बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछते रहे कि मैक कैसा परफॉर्म कर रहा है। सोचता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। आज आपने अगर नोटिस किया होगा तो 10 बजे व्लॉग नहीं आया था, 10:40 के आसपास आया था और देर इसलिए हो गई थी क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता तो फिर से एडिट करके उसको वापस डाला और मुझे कितने लगे होंगे, बस 8 मिनट एक्स्ट्रा। ये मैक का कमाल है कि आपको वर्क एफिशिएंसी इतना कमाल का इसका होता है, ऐसा इसका स्मूथ एक्सपीरियंस होता है कि पैसे भले ही ज्यादा लगे, 35,000 आपके चले गए फ्री फंड में, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, पर मैक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पे, निकला जाए। आपका शॉर्ट्स ग्रो कर रहा है लेकिन चैनल ग्रो कर नहीं रहा है ना। होता है, बनाते नहीं है ना। 10 रुपए है क्या चैनल यूट्यूब पे? तो ही क्योंकि शॉर्ट्स पे मेरे बहुत व्यूज गए हैं, 27 मिलियन मतलब की 2.5 करोड़ व्यू गए हैं, 40,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन कोई ऑडियंस का कुछ नहीं इंटरेक्ट। ऐसे ही होता है ना, ऑडियंस के साथ आपको गेट टुगेदर ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऑडियंस नहीं बन जाती कि शॉर्ट्स डाला और 25,000 सब्सक्राइबर मिल गए तो भी 25,000 कोई काम का नहीं है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, आप पे इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका वो वीडियो अगले बार में देखेंगे नहीं। बस वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो किसी ने देख लिया, स्टैटिस्टिकली वो देखने में अच्छा लगता है, ऐसे कोई काम का नहीं है। खैर एनीवेज, अगर आपको एफिशिएंसी के लिए चाहिए, एडिटिंग के लिए चाहिए, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं फाइनल कट प्रो पे और डाविंची रिजॉल्व पे, तो दोनों उसमें बहुत अच्छा चलता है। तो किसी को अगर वर्क हॉर्स टाइप का कोई मशीन चाहिए तो उससे अच्छा कोई मशीन नहीं है। M2 MacBooks भी है, SSD स्पीड है वो बहुत स्लो है, तो स्टिल आई वुड कंसीडर M1 पे। M1 छोड़ के कुछ नहीं लूंगा क्योंकि वो जो चीज आपको वैल्यू फॉर मनी दे देती है, मुझे लगता है फ्यूचर में कभी भी ऐसा लैपटॉप हम लोग बना पाएंगे जैसा ये बना। इन शॉर्ट बहुत अच्छा है, यू शुड डेफिनेटली बाय इट। M1 वाला, M2 वाला आई डोंट रिकमेंड, M1 वाला डेफिनेटली, बस बचा के यूज करना। और जब भी आप बंद करोगे ना मैक तो फूक के साफ करके, थोड़ा सा भी कंकड़ वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो 35,000 लग गए। जैसे ही आपकी बियर्ड थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है घर वाले आपको बोलते हैं कि चुपचाप कटवाओ, कटवाओ, कटवाना पड़ जाता है, क्या ही कर सकते। कल रात को बहुत खतरनाक चीज़ हुई, ये हुई कि मेरा SSD बीच में काम करते करते बंद हो गया। अब SSD वर्क बंद हो गया तो एडिटिंग हो नहीं सकती है क्योंकि सारा फुटेज उसी में रहता है। खैर वो गारंटी के अंदर है, मुझे जाना होगा शायद सैमसंग वाले स्टोर में, वहाँ पे SSD उसको देना पड़ेगा, लेकिन जब तक SSD होगा तब तक एडिटिंग कैसे करूँ, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। गारंटी के अंदर है, मुझे 1 रुपए देने नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देख रहे हो कष्ट, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ दिन पहले, तो अब जो है मैं इंपॉर्टेंट जो एक काम कर रहा था वो कर सकता हूं क्योंकि इसके बिना वो नहीं कर सकता था। यही काम करने जा रहा हूं जल्दी जल्दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, धूप ना लगे इसीलिए गली गली वाला रूट चुना है, लेकिन तब पर भी गर्म गर्म हवाएं बहती जा रही हैं। भैया 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 हमको निकल यार, हेलमेट अच्छा लेना पड़ेगा नहीं तो बैंड बच जाएगा। बाय द वे बाबा मंदिर यही है, इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये रहा। अभी मेन रोड की तरफ से जाता तो पहचान में नहीं आता, यहाँ हॉर्न का कोई असर भी तो नहीं पड़ता है। जब मेरा मैक खराब होता तो दीदी बोली थी कि एक बार मुझे जॉब करने दो तो मैं तुम्हें नया मैक खरीद के दूंगी। दीदी तुम याद रखना ये बात, तुम भूलना मत, भले मेरे पास मैक हो तुम एक और खरीद के दे दे सेफ्टी पर्पस के। अरे हम लोग अपने डेस्टिनेशन के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, गर्मी का महीना है, मेरे घर वाले सारे चद्दर तान के सो चुके हैं, लेकिन एक बावला प्राणी है जो इधर उधर भटकते जा रहा है। डेली व्लॉग में ये फ़ायदा होता है कि अपना काम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है क्योंकि मेहनत करनी पड़ता है, घर में बैठ के तो बोरिंग जिंदगी दिखा नहीं सकता, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलोगे तो काम वाम बन जाए और हर एक दिन का रिकॉर्ड रहता है, वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होता।
देवघर में बहुत सारे जिम है, मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया था जब मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, तो ट्राई किया था मतलब जा जाके मैंने बातें की है। देखिए इस जिम की खास बात यह है कि संडे को भी खुला रहता है और कभी भी चले जाओ, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी चले। बाकी जगह पे ये फीचर है नहीं। जिसकी मैं बात कर रहा था वो मेरा जिम है जहाँ पे मुझे पैसे देने हैं 3 महीने के 2500 रुपए, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि तोंद जो है वो बाहर निकलते जा रहा है और क्या ही कर सकते हैं, वो चले जाती है तीर्थ में 15 दिन के लिए, तो घर में भूखे रह जाता हूँ, खाएगा पिएगा कौन। अभी तो यहाँ पे कोई है नहीं, कोई कर नहीं रहा है, पर बेसिकली ऑन रहता है, कभी भी आके कर सकते हो 2500 रुपए 3 महीने के लिए। अब जगह रेट वही है लेकिन मैंने बोला ना संडे को खुला रहता है और कभी भी आके कर सकते हो, तो कभी कभी सुबह अगर छूट गया या शाम में नहीं हो पाया, सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है, रात के 10 बजे तो ओपन रहता है, एडवांटेज है, स्पेस भी अच्छा, स्मार्ट जिम। नहीं यार दिक्कत हो रही है मुझे, बहुत दिक्कत हो रही है, हेलमेट में जो पैडिंग है ना वो कुछ बचा नहीं है, बस थर्मोकोल है, तो बेसिकली मैं मटका पहन के घूम रहा हूँ। एक नया हेलमेट खरीद लूँ क्या, एक नया हेलमेट खरीद ले, कौन फोन कर रहा है यार। हर 15 दिन मैं यहाँ पे आता हूँ, भैया को परेशान करके चला जाता, स्कीम्स पूछ के, ये प्राइस पूछ के। अगर कोई भी अगर आप यहाँ पे आते हो मेरा व्लॉग देख के, कोई भी सोनी के गंगा आईटी में, इनको मेरी तरफ से थैंक्स बोल, पता नहीं भैया खाना खाने गए हैं क्या। संजीव भैया आए क्या? आए नहीं है, आज नहीं आए, कब आएंगे? आज नहीं आ पाएंगे। आहा, अरे वो बॉक्स दिखाई, तो वो है सोनी, नीचे सोनी है 74। अरे यार टच करने दो, टच करने दो मुझे, कभी इसी चीज में कभी मैंने इतना तड़पा नहीं हो जितना इसको, यही कैमरा, पहले अब बॉक्स नहीं हुआ करता था, अब बॉक्स है। क्या बात है, क्या बात है, पहले इसमें एसडी कार्ड भी आता था लेकिन एसडी कार्ड जा चुका है, नॉट श्योर इफ यू कैन सी। हाथ को आया मुंह ने लगा, ECM B10 का माइक हो, मत पूछो मुझे कैसा लगा, कैसा लग रहा था, सामने उस सोनी SN4 है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। भगवान ऐसा दर्द किसी को ना दे। जैसे ही आपकी दाढ़ी थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट, जैसे ही आपकी दाढ़ी थोड़ी सी बढ़नी स्टार्ट, जैसे ही यहाँ पे संभव नहीं है, जैसे ही आपकी बियर्ड